सत श्री अकाल जी, वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का सवेर के न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत है। रुख करते हैं अज दी मुख खबरों वल। विद्यार्थियों की प्रशासन नूं चेतावनी, अमृतपाल खिलाफ राजपाल नूं मिलेगा शिवसेना बाल ठाकरे का वफद, पुलिस ने शराब तस्कर किए काबू, गुरदासपुर विच होया पहला लैप्रोस्कोपी राही पत्थरी का ऑपरेशन, कांग्रेस तो भाजपा विच गए सबका मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा उत्ते विजिलेंस का शिकंजा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स विच भारत पाकिस्तान अते नेपाल तो भी पछड़िया, सिद्धू मूसेवाला दे मापे अज भी कर रहे ने इंसाफ की उड़ीक, टीवी मकैनिक ने महिला उत्ते कीता तेजाबी हमला। ते हुण खबरां विस्थार नाल। बटाला शहर की मुख्य सड़क अमृतसर रोड, जिथे मुख्य तौर पर बटाला की सन्नत भी है, वड्डे वड्डे फैक्ट्री यूनिट भी हैं उस मुख्य मार्ग के अणदेखी नाल, जिथे इंडस्ट्रियल एरिए मुश्किल खड़ी हो रही है, उत्थे ही मुख्य तौर पर बटाला विच होण वाले हर राहगीर लई भी ये मुसीबत बनी हुई भी है। हालात ये हैं कि सड़क ते सीवरेज का काम चल रहा है, सड़क पूरी तरह पुट्टी हुई है। महज अद्धा किलोमीटर का यह रास्ता, हालत सड़क जी बहुत ज़्यादा खराब है। कई महीनों तो इसकी हालत जी बदतर हो पी है, जबकि किसी कारण इस सड़क के उत्ते कोई ना कोई हादसा जोड़ा वो हों रहा है रोजाना। कई लोग ने जोड़े वो छोटे व्डे हादसे का शिकार होंगे रेंदे ने। तो इस रोस में अज बटाला कॉलेज के विद्यार्थियों ने नगर निगम बटाला खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उत्थे ही इस मार्ग उत्ते इकट्ठे हुए विद्यार्थी नौजवानों ने दसा कि वह बटाला के नज़दीक वक् वक् पिंड तो पढ़ाई लिए शहर में आते हैं, अपने मोटरसाइकिलों राही इस राह उत्तों गुजरते हैं। कई बार हादसे हो चुके ने, उन्हां वल्लों कई बार प्रशासन अगे भी इस सड़क नूं बनाउण दी मंग कीती गई है, लेकिन नगर निगम वल्लों इस वल कोई भी ध्यान नहीं दिता गया, जिसके चलते विद्यार्थी वर्ग ने चेतावनी दिती है कि 30 दिन के अंदर अगर इस रोड की मुरम्मत अते मुड़ निर्माण ना होया तां उह नगर निगम के दफ्तर का वड्डे पद्धर उत्ते घराओ करनगे। शिवसेना बाल ठाकरे के यूथ पंजाब प्रधान हनी महाजन ने पत्रकारों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दसिया कि अमृतपाल पंजाब का माहौल खराब करना चाहता है। जिस तरह के बयान अमृतपाल दे रहा है उस नाल नौजवान गुमराह हुए ने। जो बयान अमृतपाल ने बेअदबी बारे दते सी, सौदा लगन बारे बयान ने जिहड़े दिते सी, उन्हां दा विरोध आ जिहड़ा शिवसेना वल्लों कीता गया है। उन्हां कहा कि ये हालात ने जिहड़े पंजाब दे बिगाड़न दी कोशिश की जा रही है, पंजाब सरकार वल्लों इस नूं कंट्रोल करना चाहीदा है तां जो पंजाब दा माहौल खराब ना होवे। साडी पार्टी वल्लों पहलां ही अमृतपाल दे खिलाफ दरखास्तां दित्तियां गईआं ने, तां हुण इस मामले विच असीं राजपाल नालों मुलाकात करांगे। पंजाब पुलिस लगातार नशा तस्करां दे खिलाफ एक्शन मोड विच है। तां पंजाब पुलिस वालों नशा तस्करां दे खिलाफ चलाई गई मुहिम तहत थाणा समराला दे DSP वरियाम सिंह खहरा अते SHO भिंदर सिंह खंगूड़ा मुख अफसर थाणा समराला दीआं हदायतां अनुसार 15 अक्तूबर 2022 नूं हौलदार चरणजीत सिंह वालों पुलिस पार्टी समेत नाकाबंदी की गई। पुलिस चौंकी हैडों मौजूद एक कार PB08BD3679 मारका स्विफ्ट नूं रोकिया गया, उसकी चैकिंग आ जिहड़ी वह की गई, तो जिस विचों नजायज़ शराब आ जिहड़ी बरामद की गई। कार विच सुखदेव सिंह उर्फ बब्बू पुत्र गुरदेव सिंह वासी मकान नंबर 107 मानू नगर समराला जिला लुधियाना, दलवीर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी बदौली थाणा समराला जिले लुधियाना विच कार विच सवार सन। चैकिंग दौरान स्विफ्ट कार विचों 15 पेटी मारका 999 पावर स्टाक विस्की फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली बरामद हुई, जिन्हां उत्ते मुकदमा नंबर 194 मिती 15 अक्टूबर 2022 जुर्म कहाट 1-14 एक्साइज एक्ट अधीन थाणा समराला विखे मामला दर्ज किया गया है। मुकदमे की तफतीश है जी की जा रही है, दोषियों विचों पुछगिछ विच वड्डे खुलासे होने की संभावना है। गुरदासपुर के सिविल हस्पताल विच लोगों की सहूलत लई पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल ने एक बड़ा उपराला किया। इस तहत सिविल हस्पताल विच लोप्रोस्कोपी नाल संबंधित सर्जन डॉक्टर की नियुक्ति करवा दी गई है, उस नाल ही सर्जरी करने लई लोड़ीं मशीनां ते उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इस दे बाद सिविल हस्पताल विच लैप्रोस्कोपी का पहला सफल ऑपरेशन करके इस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। यह ऑपरेशन हैल्थ कार्ड से बिल्कुल मुफ्त होया, जद कि मरीज जे बाहरों ऑपरेशन करवाउंदा तां 30 तों 40 हज़ार रुपए का उसका खर्चा आना सी।
डिप्टी मैडिकल कमिश्नर डॉक्टर रोमी राजा महाजन ने दसाया कि गुरदासपुर के सिविल हस्पताल में सर्जन जनरल डॉक्टर की असामी लंबे समय तो खाली सी, इसलिए मरीजों को जनरल एनेस्थीसिया की सहूलत हस्पताल में नहीं सी मिल पाती। इस दे नाल ही लैप्रोस्कोपी के ऑपरेशन कारण लेजर मशीन और लोड़ीदा साजो समान से उपकरण भी मौजूद नहीं सन। जदों सिविल हस्पताल प्रशासन ने मामला हैल्थ कारपोरेशन सिस्टम के चेयरमैन रमन बहल के ध्यान में लिया तो उन्होंने तुरंत सिविल सर्जन की नियुक्ति है जी करवाई, तो जो ऑपरेशन ने जोड़े वो करवाने शुरू किए गए। डॉक्टर विशाल दीप ने जनरल सर्जन का अहुदा संभाल लिया, लैप्रोस्कोपी का ऑपरेशन संबंधी होर उपकरण भी ने जोड़े उन्हों की घाट पूरी करवा दी गई, जिसके बाद डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, डॉक्टर उपसाना सचदेवा, डॉक्टर विशाल दीप, डॉक्टर अमनदीप की टीम ने नरेंद्रजीत कौर पत्नी राजकुमार वासी पिंड डाले चक का पहला लैप्रोस्कोपी का सफल ऑपरेशन किया। कांग्रेस पार्टी छड भाजपा में शामिल होए सबका कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा नू विजिलेंस वालों गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस के अधिकारी नू 50 लाख की रिश्वत देन पहुंचा सी, 1 करोड़ में सौदा तय होया सी कि मैं तुम्हें 1 करोड़ का ऑफर है जिहड़ा दिंदा हाँ, तुसी केस विचों मेरा नाम बाहर कढ़ दो। पर जदों सबका मंत्री रिश्वत देन पहुंचते हैं तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाता है। शनिवार देर रात जीरकपुर में एक घटना जी वापरी है, जीरकपुर में सबका मंत्री की गिरफ्तारी की गई है, जिस तो बाद उन्होंने अदालत में कल पेश किया गया। तो अदालत वालों विजिलेंस विभाग को सबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा का रिमांड दिता गया है, 3 दिन के रिमांड पर ने जिन्हों को उन्होंने वालों किए गए घोटाले संबंधी पूछगिछ है जी की जाएगी। इस ही होर भी कई वड्डे खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि पहला भी सबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, सबका मंत्री संगत सिंह गिलजिया, सबका मंत्री भारत भूषण आशू के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो हूँ पिछलिया सरकार के चौथे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई है जी हो जा रही है। हालांकि होर भी कई मंत्रियों का नाम आ जोड़ा सामने आ रहा है, पर वही कार्रवाई हुई है सुंदर श्याम अरोड़ा के खिलाफ। तो जून के महीने भाजपा में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी को अलविदा आख जाते हैं, तो ये निशाने ने जिहड़े कांग्रेस वालों ही साधे गए थे कि जिहड़े करप्ट लीडर से वो कांग्रेस छड्ड के भाजपा में जा रहे हैं, पर उन्होंने खिलाफ कोई भी पंजाब सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो पंजाब सरकार वालों कार्रवाई की गई है, पंजाब विजिलेंस डिपार्टमेंट वालों सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। भावें साडे देश नू अन्नदाता कहा जाता है, पंजाब यूपी हरियाणा ये स्टेटा ने जिहड़ियां वो बहु गिणती विच अनाज पैदा कर दियां ने, पूरे देश का ढिड भर दियां ने, पर जे ग्लोबल हंगर इंडैक्स की गल की जाए तो पंजाब भारत की स्थिति है जी बेहद माड़ी है। ग्लोबल हंगर इंडैक्स में भारत 107वें स्थान उत्ते पुज गया है, भारत की रैंकिंग पाकिस्तान नेपाल म्यांमार तो भी पछड़ी हुई है। तो वड्डे सवाल ने जिहड़े साडे देश दीआं सरकारां उत्ते खड़े हुंदे ने, वड्डे वड्डे बयान ने जिहड़े दित्ते जांदे ने, वड्डे दावे कीते जांदे ने, पर साडे देश विच भुखमरी दे पक्ष तों देखिया जावे तो हालात ने जिहड़े वो बहुत ज़्यादा माड़े ने। तो ग्लोबल हंगर इंडैक्स विच भारत नूं 107वां स्थान आ जिहड़ा वो मिलिया है। कल भारत के एक मंत्री वालों बयान दिता गया सी कि रुपया कमज़ोर नहीं होया, डालर मजबूत होया है। तो एक पासे अजिहे बयान ने जिहड़े वो दिते जा रहे हैं, अपनी शाख बचाउण की कोशिश की जा रही है, पर देश विच इस वेले जो भुखमरी ते गरीबी की स्थिति आ वो वाकई चिंताजनक बनी हुई है। मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कतल हो जाता है। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला सरेआम गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता जाता है। तो सिद्धू मूसेवाला का परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कई शूटर गैंगस्टर उन्होंने पनाह देने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ कु लोग ने जोड़े वो अज गिरफ्त चो बहर ने, कनेडा बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड गिरफ्त चो बहर है, और दीपक टीनू जोड़ा गैंगस्टर पुलिस की शहर से फरार हो जाता है। उस संबंधी भी वड्डे खुलासे ने जोड़े वो किए गए सी, मानसा CIA स्टाफ के इंचार्ज प्रितपाल सिंह वालों उसनों जोड़ा VIP ट्रीटमेंट है जोड़ा वो दिता जा रहा है, जिस तो बाद फरार हो जाता है। पुलिस कस्टडी चो फरार होकर वह विदेश भजन भी सफल हो गया है। तो वे सवाल पुलिस उत्ते सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों खड़े किए जा रहे हैं कि अगर पुलिस ही मिली भुगत नाल यह सब करवाएगी तो सानू इंसाफ किदा मिलेगा। एक गल ये भी सामने आती है कि सिक्योरिटी लीस्ट जी सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी लीक होने दल्ला सोशल मीडिया उत्ते आम आदमी पार्टी के लीडर होर लोगों ने कीतियां सन, तो उन्होंने खिलाफ़ भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਆ ਇਹ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ 33 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 53 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ CCTV ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ